नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आप देख रहे हैं अपना चैनल राजेश। अब मैं जो राजसमंद में जो झील है, बहुत प्रसिद्ध यहाँ की राजसमंद की झील है, वो दिखाऊंगा। और करीबन यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर है और उसके बाद में वो झील आएगी। और वहाँ पे एक द्वारिकाधीश का मंदिर भी है, लेकिन वो कोरोना की वजह से बंद है, काफ़ी टाइम से बंद है वो, लेकिन वो नहीं दिखा पाऊँगा। वो जो झील है उसका व्यू तो आपको इंजॉय करने का मिलेगा, तो इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे मेरे प्यारे दोस्तों। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा जो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा, शिव मूर्ति जो, वो भी मैं आई बटन में दे दूंगा, वो जाके आप देख लेना। तो एक बार आप सामने का व्यू एंजॉय कीजिए। दोस्तों राजसमंद की जो झील कही जाती है, बहुत बड़ी झील, तो वो मेरे नज़ारा देख सकते हो आप मेरे पीछे, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ से जो व्यू आने वाला है बहुत ही तगड़ा आने वाला है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में बने रहे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब इस जगह का फर्स्ट लोकेशन मिली है हमें, कल से ढूंढ रहे थे कि कोई झील पे जाए, वहाँ पे वीडियो शूट करें, वहाँ की बहुत प्यारी प्यारी फोटो पिक करें। और आखिर में हम राजसमंद झील पे पहुँचे हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलते हैं आगे और इस झील का आपको सामने वाला व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों आपको जो वीडियो के अंदर ड्रोन का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो जो लेक
बहुत ही राज संबंध की प्रसिद्ध लेक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे कुछ बच्चे स्टूडेंट या बुजुर्ग जो भी बोल सकते हो वो एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं उस जगह भी लेके चलूँगा आप दोस्तों। जो जो मेन गेट था उस तरफ मैं नहीं आया था, वो आगे चला गया था उस टाइम पे, और जो मेन जो इस व्यू है उस जगह पे आया हूँ, और यहाँ से मैं आपको बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू दिखाऊंगा, और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो राजसमंद लेक। और ये एशिया की सेकंड नंबर की लेक में गिनती की जाती है इस लेक की। तो यहाँ से चलते हैं और यहाँ का व्यू देखते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगा इस राजसमंद लेक पे आके, और आपने जो वीडियो मेरा शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, मेरे को उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों कमेंट कर दिया करो, आपके प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो कि आसपास में कोई और जगह मेरे से छुट्टी हुई हो तो मैं उस जगह भी विजिट कर सकता हूँ। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए मेरे को। किशन जी क्या कहते हो इस लेक के लिए? लेक अच्छी है, मनमोहक दृश्य है यहाँ का, आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों का मस्त टाइम। ये देखो बहुत ही विहंगमय दृश्य, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और जो ड्रोन से आपने जो वीडियो देखा वो भी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियो बनाता रहूँगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इतनी मेहनत करता हूँ आप सभी दोस्तों के लिए, इतने प्यारे प्यारे वीडियो शूट करता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना। दोस्तों जो यहाँ के लोकल बंदे हैं, लोकल जो यहाँ के आसपास के इलाके के हैं, वो इस लेक के अंदर बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। आज होली का दिन है, और देखो आप देख सकते हो कैमरे में किस तरह वो इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों अच्छा लगा इन लोगों से मेरे को मिलके, और बहुत ही मैं काफ़ी एक घंटे से देख रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इस जगह एंजॉय कर रहे हैं, और ये देख सकते हो पीछे, तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों एक बार यहाँ से आप सेनेमेटिक शॉट एंजॉय कीजिए, और फिर उसके बाद में आपको मैं आगे जिस जगह नेक्स्ट लोकेशन है उस पर लेके चलूँगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो एक बार सिनेमिक शॉट एंजॉय कीजिए इस लेक का। दोस्तों आप देख सकते हो ये जगदीश जी जो यहाँ मछलियों के लिए एक कट्टा भर के दाना लाए हैं, तो इन जैसे लोगों को मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि इन बेजुबान जानवरों के लिए जो खाने के लिए कुछ ना कुछ डालते हैं, उन सभी लोगों को मैं सलूट करता हूँ। और जगदीश जी यहाँ मछलियों को दाना डाल रहे, तो आप ऐसा काम आज होली के दिन ही करते हो या हमेशा करते रहते हो? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जैसे उन जानवरों को दाना डालते हो। तो मैं आप सभी दोस्तों को भी ये कहता हूँ, आपकी जगह आसपास ऐसी कोई जगह हो तो उनको उनका भी ध्यान ही अपन को ही रखना पड़ता है। जैसे कबूतरों को दाना डालिए, उनको पानी के लिए व्यवस्था कीजिए, जैसे गर्मी का टाइम आ रहा है तो उन बेजुबान पक्षियों के लिए जानवरों के लिए आप कुछ ना कुछ सहयोग कीजिए। तो ऐसे ही लोगों से मैं आपको मिलाता रहता हूँ, तो और नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ के अच्छे अच्छे सीन।
दोस्तों बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोकेशन पे कोई बंदा मिलता है तो भाई साहब क्या नाम है अविनाश अविनाश कटिक अविनाश जी से जान लेते हैं कि अपना यूट्यूब के चैनल के बारे में बहुत बढ़िया चैनल है ये राजेश जी है इनका मैंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल राजेश जी जॉन करके कितना है दिनों 1 ईयर से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ अच्छा बहुत बढ़िया चैनल है आपको नई नई स्टोरी देखने की मिलती है सर तो कैसा कंटेंट कैसा लगता है आपको नहीं बहुत बढ़िया तो कुछ कमी हो तो बताइए नहीं कमी तो कुछ नहीं है आप कुंभलगढ़ जाइए सबसे बढ़िया लोकेशन वहाँ और मिलेगी आपको यहाँ से भी बढ़िया लोकेशन मिलेगी चलो कुंभलगढ़ चलते हैं और वहाँ से काफी व्यू शॉट एंजॉय करते हैं तो अपने दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा ये जगह है नौचौकी प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब चैनल प्लीज आई होप आप सभी को ये राज संबंध लेक का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज राजेश जॉन को भी लाइक कीजिए क्योंकि मैं आपको ऐसे ही आपके अपने चैनल राजेश जॉन पे ऐसे प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाता रहता हूँ और बहुत ही बढ़िया जो मेरा कॉन्टेंट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है तो प्लीज़ फिर भी आपको कुछ इस कॉन्टेंट में कोई कमी लगे वीडियो में कमी लगे तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो और पहले इससे पहले वाले जो वीडियो था उसको प्यार देने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ जय हिंद वंदे मातरम